हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। यूपी स्पेशल में जनगणना मैं करा रही थी। अब आगे उसी जनगणना में देख लेते हैं कि नगरीय और ग्रामीण जनगणना की जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत की अगर बात करें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या आपके 1553,17,278 है, और परसेंटेज की बात करें तो 77.73% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है तो परसेंटेज मोस्टली आता है। हो सकता है कि एक दो आपका टोटल पूछ लिया जाए, तो दोनों एक बार देख लीजिएगा। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का अगर परसेंट बात करें तो वो आपका है 77.73%, और कुल नगरी जनसंख्या अगर बात करें तो आपकी है 444,95,063, और अगर परसेंटेज की बात करें तो वो है 22.27%। फिर देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अगर स्थान देखें तो ये है 18.63%, देश में प्रथम। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है। देश के कुल शहरी जनसंख्या में अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो 11.79% है, महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे। यानी ग्रामीण जनसंख्या में देश में प्रथम है और शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद यानी हम दूसरे नंबर पे हैं। परसेंटेज क्या है? 11.79%। फिर राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है, और राज्य के कुल नगरों में वैधानिक नगर हैं 630। फिर अगर हम देखें 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर तो ये 64 है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर की अगर बात करें तो 7 है। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले अगर बात करें तो ये आपके 12 हैं। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले आपके हैं प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर। यानी सर्वाधिक और अगर ग्रामीण आबादी वाला जिला देखें तो प्रयागराज में है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला देखें तो गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले की बात करें तो गाजियाबाद, सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले की बात करें तो श्रावस्ती। सर्वाधिक अगर नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक में गाजियाबाद है, और सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाला आपका जिला श्रावस्ती होगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में अगर देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी, जैसा ये देख लीजिए, पिछले में ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ थी? प्रयागराज में। और सर्वाधिक जो है शहरी आबादी कहाँ थी? गाजियाबाद में। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत कहाँ है? गाजियाबाद में। तो सर्वाधिक जो है ग्रामीण आबादी वाले जिले का क्रम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में पूछ रहा है। तो पहला तो आपको पता ही है प्रयागराज है, इसके बाद है आजमगढ़, फिर जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। यानी सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी जो है आपके प्रयाग में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर जौनपुर में है, फिर सीतापुर में है, फिर गोरखपुर में। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके उससे ज़्यादा महोबा, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बागपत। क्लियर हो गया। फिर सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, ग्रामीण आबादी की बात हुई थी सर्वाधिक और कम, अब सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले तो गाजियाबाद में सर्वाधिक शहरी आबादी है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, आगरा है, मेरठ है। ठीक है, फिर सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले श्रावस्ती में सबसे कम, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में थी, उसके बाद चित्रकूट में है, फिर कौशाम्बी में है, फिर संत कबीर नगर में है, फिर महाराजगंज में। फिर सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले अगर देखें तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर,
नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले अगर देखें बढ़ते क्रम में, तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। क्लियर हो गया? फिर 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल घटते क्रम में आपको बताना है तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अब एससी एसटी संबंधी जनन के आंकड़े एक बारी देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं। ठीक है, कितने हैं? 16.6%। ठीक है, तो 16.6 क्या है? एससी की आबादी है। राज्य के में कुल ऐसी जनसंख्या और प्रतिशत की बात करें तो परसेंटेज आपकी 20.69% है। सर्वाधिक व सबसे कम ऐसी आबादी वाला जिला बात करें तो सीतापुर और बागपत, यहाँ पे सबसे कम ऐसी आबादी है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है वो आपकी है सीतापुर में और सबसे कम है आपकी बागपत में। क्लियर हो गया? तो सर्वाधिक व सबसे कम ऐसी आबादी वाले जिले की बात करें तो सीतापुर और बागपत है, जिसमें सीतापुर में बहुत ज़्यादा ऐसी रहते हैं जबकि बागपत में सबसे कम रहते हैं। फिर सर्वाधिक व सबसे कम ऐसी प्रतिशत वाले जिले अगर बात करें, यहाँ पे सर्वाधिक व सबसे कम ऐसी आबादी की बात हो रही थी। अगर आबादी की बात होगी तो सबसे ज़्यादा आबादी आपकी सीतापुर में है और सबसे कम बागपत में है। लेकिन अगर सर्वाधिक और सबसे कम ऐसी परसेंटेज की बात हो तो सर्वाधिक जो है वो कौशाम्बी में परसेंटेज है और सबसे कम आपकी बागपत में है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, बागपत दोनों में है लेकिन सीतापुर, अगर आबादी पूछे तो सीतापुर, अगर परसेंटेज पूछे तो कौशाम्बी आपको करना है। अब कौशाम्बी में कितनी परसेंटेज है तो 34.72% और अगर बागपत की बात करें तो 11.44% यहाँ की आबादी है। फिर सर्वाधिक ऐसी आबादी वाले जिले अगर घटते क्रम में देखें तो सीतापुर सर्वाधिक आबादी है यहाँ पे सीतापुर में, ये देखिए। ठीक है, यही तो ये है, सर्वाधिक ऐसी आबादी वाले जिले आपको बताने हैं तो सर्वाधिक जहाँ पे होगी पहला तो यही सीतापुर का नंबर है तो पहला तो आप यहाँ पे सीतापुर लिखोगे। ठीक है, सीतापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद हरदोई, हरदोई के बाद आजमगढ़ और फिर खीरी। फिर न्यूनतम ऐसी आबादी वाले जिले, तो न्यूनतम में बागपत था तो वो तो रहेगा ही पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे में श्रावस्ती आएगा, तीसरे में गौतम बुद्ध नगर आएगा, चौथे में महोबा और पांचवा ललितपुर। फिर सर्वाधिक ऐसी प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक ऐसी प्रतिशत वाला जो जिला है कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। और न्यूनतम ऐसी प्रतिशत वाला पांच जिला अगर बढ़ते क्रम में देखें, पांच जिले यहाँ पे हैं कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। कौशाम्बी में सबसे आपको परसेंटेज में हमने बोला था अगर सर्वाधिक ऐसी परसेंटेज पूछे तो कौशाम्बी बताइएगा, तो कौशाम्बी जो है नंबर वन पे है, इसके बाद सीतापुर में है, फिर हरदोई में है, फिर उन्नाव में है, फिर रायबरेली में है। न्यूनतम ऐसी परसेंटेज की बात करें तो सबसे अगर न्यून बात करें तो बागपत में है, फिर उससे ज़्यादा बरेली में, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर रामपुर। राज्य में कुल एसटी जनसंख्या एवं प्रतिशत, एसटी अभी एससी की बात चल रही थी, अब एसटी, तो एसटी का कितना परसेंट है? 0.57%। ठीक है, और सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी अगर देखें तो सर्वाधिक सोनभद्र में है
और सबसे कम आप बागपत में हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करिएगा कि एक चार्ट बनाइएगा, इसमें एक में एसटी लिखिएगा, एक में एससी लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एसटी में जैसे आपने लिखा राज्य में कुल एसटी जनसंख्या और प्रतिशत, फिर सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले ज़िले, तो उसी तरह से सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले ज़िले और सर्वाधिक व सबसे कम एसटी परसेंटेज और सर्वाधिक और सबसे कम एससी परसेंटेज, इस तरह से कर लोगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने एक तरफ एससी लिख दिया और एक तरफ एसटी लिख दिया, अब एससी के जो जो पॉइंट है सर्वाधिक न्यून और क्रम पाँच का सर्वाधिक का या परसेंटेज का क्रम, उसी तरह से इनका भी क्रम लिख लीजिएगा, तो होगा क्या, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। साथ में पहला भी याद हो जाएगा कि बागपत में जो न्यूनतम एसी परसेंटेज है और कौशाम्बी में सर्वाधिक एसी परसेंटेज है, ऐसे भी आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी हैं, ठीक है। तो एसटी कहाँ पे हैं? एसटी आपके सोनभद्र में, और एससी आपके कहाँ पे है सर्वाधिक? एससी आबादी वाला जिला सर्वाधिक, ये देखिए, सर्वाधिक देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश, आबादी वाला राज्य सॉरी उत्तर प्रदेश, और सबसे कम अगर सर्वाधिक व सबसे कम ऐसी आबादी वाला जिला, तो आबादी सर्वाधिक कहाँ है? सीतापुर। सबसे कम कहाँ है? बागपत। परसेंटेज में कौशाम्बी, तो यहाँ पे आपका सीतापुर। समझ में चीज़ आ रही है कि आपको एक तरफ एसटी एक तरफ एससी लिख करके जो सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला सोनभद्र है सर्वाधिक, और सबसे कम है बागपत, उसी तरह से एसटी का भी आप बगल में लिख लीजिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम एसटी परसेंटेज वाला जिला, तो सर्वाधिक जो एसटी का परसेंटेज है यहाँ दोनों में सोनभद्र में ही है, ठीक है। आबादी भी ज़्यादा है, परसेंटेज भी ज़्यादा है, जबकि एसटी की आबादी अलग जिले में थी और परसेंटेज अलग थी। सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ थी? आपके कौशाम्बी में थी, और बागपत में आपके आबादी न्यूनतम आबादी थी बागपत में। फिर सर्वाधिक और सबसे कम एसटी परसेंटेज वाले जिले सोनभद्र, और सबसे कम अगर बात करें तो बागपत में है। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ध्यान बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे जो एसटी की आबादी है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, बागपत में कम है, और अगर सर्वाधिक और सबसे कम एसटी परसेंटेज की भी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ सर्वाधिक सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में ही है, इसलिए ये दोनों एक ही याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर सर्वाधिक एसटी आबादी वाले पांच जिले, तो जैसा हमने बताया था कि सर्वाधिक आपकी सोनभद्र में है। अब सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। फिर न्यूनतम एसटी आबादी वाले पांच जिले अगर बात करें तो बागपत में तो सबसे कम थी ही, फिर इसके बाद कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले पांच जिले अगर बात करें तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले पांच जिले हैं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, और न्यूनतम एसटी वाले अगर बात करें तो बागपत, कन्नौज, बदायूं। अब ये देखिए न्यूनतम एसटी आबादी वाले तो तीन एक की साथ हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, तो बागपत, कन्नौज, बदायूं। अब यहाँ पर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, ये दो और ऐड कर लीजिएगा, मतलब याद करने के लिए।
फिर एक बार धार्मिक जनगणना देख लेते हैं। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े, तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक आपके 20.3% ही हैं। फिर 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5, 0.4, ईसाई 0.1 और जैन 0.1, बौद्ध 0.2 थे, जबकि हिंदू थे आपके 80.6%। ठीक है, यानी पहला आपका हो गया हिंदू, दूसरा हो गया आपका मुस्लिम, मतलब 18.5%। फिर इसके बाद आपका आ जाता है सिख 0.4%, फिर आपका इस बौद्ध आएंगे, बौद्ध आएंगे 0.2%, और फिर ईसाई और जैन आएंगे 1-1%। यानी यहाँ पे ईसाई जैन कितने परसेंट है, 0.1%। ठीक है, तो पहला स्थान हिंदुओं, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध और फिर अन्य में आपके ईसाई और जैन आ जाएंगे। फिर 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य धर्म 0.01 व कोई धर्म नहीं में आपका 0.29% है, जबकि हिंदू आपके हैं 79.73%। ठीक है, 2001 की जनगणना में ये रिपोर्ट थी। फिर 2011 के अनुसार ये वाला याद करिएगा आप, अब जो है वो 79.73% है, यानी जो मुस्लिम हैं जो 18.5% थे, अब वो कितने हो गए हैं 19.26%। ठीक है, और साथ साथ आपके सिख का भी बढ़ा है, सिख जहाँ 0.4% थे वहाँ 0.32% हो गए हैं, और ईसाई जहाँ आपके 0.1 थे वहाँ आपके हो गए हैं 0.18%, जैन आपके हो गए 0.11%, और बौद्ध आपके जो 0.2 थे वो आपके 0.10 हो गए। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ईसाई जो है आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 की जनगणना में बौद्ध आपके तीसरे स्थान पे थे। फिर जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक अगर हम देखें तो मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। फिर 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य आपका यूपी ही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भारत का जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कितने, कौन से हैं, 21 जिले हैं जहाँ पे 20% से अधिक मुस्लिम निवास करते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, रामपुर। फिर रामपुर के बाद आपका है मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा। यानी अगर हम प्रतिशत की बात करें सर्वाधिक मुस्लिम की, तो सबसे ज़्यादा रामपुर में है। तो रामपुर नाम सुन करके आप जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि रामपुर लिखा है तो हिंदू ज़्यादा होंगे, नहीं, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में। फिर सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला अगर बात करें तो ललितपुर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, और क्रम भी एक बारी याद कर लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो क्रम क्या है वो देख लीजिएगा। और अगर सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला ज़िला पूछा जाए तो रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिमों का प्रतिशत है, और इसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा, और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला अगर बात करें तो ललितपुर।
सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है वो आपकी ईसाई की हुई है और सबसे कम वृद्धि दर आपकी बौद्धों की हुई है, यानी 67.7% आपकी ईसाइयों की हुई है जबकि बौद्धों की हुई है 31.7%। और अगर सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय की बात करें तो लिंगानुपात सबसे कम आपका ईसाइयों में मिल रहा है 950 व सिखों में आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला आपको 885। फिर कार्य सहभागिता दर 2011 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या सिर्फ आपकी 32.9% ही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है कि कार्यशील जनसंख्या सिर्फ 32.9% है और कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार आपके जो है वो 67.8% या 32.2%। तो कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार, तो मुख्य आपके 67.8% हो गया और सीमांत का कामगार हो गया 32.2%। कुल कार्यशील आबादी में कृषक अगर हम देखें तो वो 29% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक की बात करें तो 30.3 है। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग अगर हम देखें तो ये आपके 5.9% है। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार की अगर हम बात करें तो वो 34.8% है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, बाकी एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा। फिर स्लम जनगणना आंकड़े, प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में जो परसेंटेज है वो 3.12% है। देश में कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, फिर आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और भारत चौथे स्थान पे आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, देन आपका आंध्रा में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, यानी 9.5% के साथ ये चौथे स्थान पे है। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश आपके हैं, तमिल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर हम सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश देखें तो तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम में देखें तो सर्वाधिक स्लम आबादी वाला मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद, ठीक है। ये यूपी की बात हो रही है तो मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी है, फिर आगरा में है, फिर कानपुर में है, लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद में। फिर अन्य में देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार 38/1000 रही है। जन्म दर जो है आपका 2020 के आंकड़ों के अनुसार 25.1/1000 रही है। मृत्यु दर 6.5/1000 रही है। कुल प्रजनन दर आपकी 2.35% रही है। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 167। प्राकृतिक समृद्धि दर आपकी रही है 18.7। प्रदेश में दिव्यांग जो हैं वो 2.08। भारत में कुल दिव्यांग आबादी में जो प्रदेश का स्थान है वो 15.5% है। और प्रदेश में कुल दिव्यांग में सर्वाधिक व सबसे कम, तो अगर हम देखें तो दिव्यांगों में सबसे ज़्यादा बधिर या बहरे हैं और सबसे कम आपके मानसिक रोगी हैं। तो शिशु मृत्यु दर देख लीजिएगा, जन्म दर देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, बाकी ये दो और पूछा तो कहीं से कुछ भी जा सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सब टॉपिक हैं कि पूछने ही पूछने हैं और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट है नहीं। कुल
जनसंख्या 2001 की राज्य की जनसंख्या 1661,97,921 थी, जो 2011 में बढ़कर के 1998,12,341 हो गई है, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक है। ठीक है, 2011 और 11 के दौरान राज्य की कुल जनसंख्या में आपकी वृद्धि हुई है 3,36,14,420 की। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 52.29 पुरुष और 47.71 महिलाएं हैं, जबकि 2001 में यह कितनी थी 52.7 व 47.3% थे। यानी जो आपके 2001 की जनगणना है उसमें जो आपके पुरुष थे वो 52.7% थे और जो महिलाएं थी वो 47.3% थी, जो अब क्या है 2011 में 52.29 आपके पुरुष हैं और 47.71 आपकी महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की थोड़ी बढ़ी है। विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश आबादी में अगर देखें तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ये मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ कि चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद जो यूपी है वो पांचवें स्थान पर है। इससे पहले ये छठवें स्थान पे था और ब्राज़ील इससे पीछे छूट गया है। पहले चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, फिर देन आपका यूपी था, लेकिन अब क्या है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, अब पांचवें स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। यानी देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान का। फिर दूसरा नंबर किसका है, मध्य प्रदेश का। तीसरा आपका महाराष्ट्र का है। फिर चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आएगा। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, MM और यू, ठीक है, यूपी, लेकिन जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है। तो क्षेत्रफल में तो ये चौथे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या में देखें तो ये पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51 लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% ही है। शिशु जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में 0.6 वर्ष आयु वर्ग जो जनसंख्या थी वो 15.41% और 2001 में यह 19.0 थी। इस प्रकार 2001 की तुलना में 0.6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात 3.59 घटा है। 0 से 6 आयु वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का अगर अनुपात देखें तो 13.6%। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात अगर देखें तो वो कहाँ पे है, बहराइच में 18.77 और सबसे कम अगर देखें तो कानपुर नगर में 11.13% है। इसको याद कर लीजिएगा, बहराइच में 0 से 6 आयु वर्ग के की जो जनसंख्या है वो उसका प्रतिशत सर्वाधिक है, और अगर देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का न्यूनतम तो कानपुर नगर में है सबसे कम। फिर वृद्धि दर 2011 में राज्य स्तर पर औसत जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% रही है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1 और 11 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर वृद्धि दर में गिरावट हुई है। यानी अगर हम आंकड़ा देखें तो क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी गिरावट हो रही है और राज्य स्तर पर वृद्धि दर में भी गिरावट हुई है। 2001 और 11 के दौरान महिला आबादी में वृद्धि दर 21.23% तथा पुरुष आबादी में वृद्धि दर 19.31% रही है।
फिर अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो बात सर्वाधिक वृद्धि दर अगर हम देखें तो 1991 और 2001 के दौरान सबसे कम जो अगर देखें तो वो हुई है 1951 और 61 के दौरान, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 और 2001 में रही है और सबसे कम अगर वृद्धि दर रही है तो वो 1951 और 61 के दौरान रही है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 2001 के अनुसार राज्य का जो औसत जनघनत्व है वो आपका 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 में बढ़कर के हो गया है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर देखें तो इस दौरान जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो वो हुई है 139 की। फिर 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहा है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और स्वतंत्रता के बाद जनघनत्व में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो रही है आपके 1981 और 91 के दौरान, और सबसे कम अगर रही है तो 1951 और 61 के दौरान, ठीक है। 81-91 ध्यान रखिएगा और 1951 और 61 याद रखिएगा। फिर साक्षरता दर की अगर बात करें, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो राज्य की कुल साक्षरता में अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये है आपका 56.3% या 68.8%, और महिला साक्षरता की बात करें तो ये आपकी है 42.2%, जो 2011 में बढ़ करके कितनी हो गई है, 67.72%, या अगर लमसम बात करें तो 77.3%, पहले इतनी थी फिर थोड़ी बढ़ी है बीच में, और महिला साक्षरता की बात करें तो वो आपका 57.2% रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो जनगणना है, एक में अगर बात करें तो ये था, 11 में जो बढ़ करके ये आपका रेशियो आया है। फिर 2011 में राज्य की औसत साक्षरता अगर देखें तो 5.3% कम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 2011 में राज्य की औसत साक्षरता या राष्ट्रीय औसत से अगर निकालें तो ये कितनी है आपकी, 5.3% ही कम हुई है। फिर 2001 की अपेक्षा 2011 में राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई है। 2011 के दौरान महिला साक्षरता में रिकॉर्ड 15% की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष साक्षरता में केवल 8.5% की वृद्धि रिकॉर्ड करी गई है, ठीक है। तो 2001 से 11 के दौरान जो महिला की स्थिति अगर हम एक तरीके से कहें तो वो सुधरी है, क्योंकि यहाँ पे 15% की वृद्धि दिख रही है आपको, जबकि अगर पुरुषों की साक्षरता देखें तो केवल 8.5% ही यहाँ पे वृद्धि नज़र आई है। तो राज्य में औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि अगर देखें तो आपका 1991 से 2001 के दौरान, वह सबसे कम अगर देखें तो 1961 और 21 के दौरान हुई है। 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता जो आपकी रही है वो 65.46% रही है, या वह 75.14%। लिंगानुपात 2001 में प्रदेश में लिंगानुपात रहा है 898, जो 2011 में बढ़ करके हो गया है 912। फिर 2001 और 11 के दौरान लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है, लिंगानुपात याद कर लीजिएगा, ये वाली पूरी स्लाइड ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात अगर देखें तो आपका रहा है 943। फिर स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अगर देखें तो आपको 9101 के दौरान वृद्धि ज़्यादा देखने को मिली है।
फिर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में आपका जो था वो 916 था, जो कि 2011 में 14 अंक घट करके 902 हो गया है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका है बलरामपुर, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका बागपत है। फिर नगरी व ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं, तो 2011 के अनुसार प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है में से ग्रामीण और नगरी जनसंख्या क्रमशः जो आपकी रही है 1553, 17278, और अगर हम ग्रामीण की बात करें तो आपका है 4449506 3, और अगर क्रम की बात करें तो आपका 77.73 और 22.27% रही है। ये पीछे वाली स्लाइड में आप एक बारी देख भी चुके हो, तो आप उसको भी एक बारी देख लीजिएगा। रटना ज़रूरी है लेकिन समझ के साथ, अगर आप समझ के साथ चीज़ें याद करोगे तो जो भूलने और कंफ्यूज होने की कंडीशन होती है उस पर विराम लग जाता है, और अगर विराम लग गया तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर रहेगा कि नहीं ये नहीं ये है। सारी चीज़ें वहीं पीछे भी हैं और आगे भी हैं, बस आपको देखना है बार बार। अब वो कैसे देखोगे, जब आप एक चीज़ पढ़ लोगे अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो जब आप यहाँ पढ़ोगे तो अरे ये तो मैंने पीछे पढ़ा था, तभी तो याद आएगा। ऐसे सिर्फ पढ़ोगे कि मैंने मम्मी 4 पेज पढ़ लिया है, मम्मी आज मैंने बहुत पढ़ाई, अगर दिखाने के लिए पढ़ोगे तो फिर वो कंडीशन वहाँ पे रुक जाएगी। तो दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, जो हम अचीव करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे और उसकी सुविधा का उपभोग हम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने लिए पढ़िए तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। 2011 के अनुसार प्रदेश के कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की अगर संख्या देखें तो 64 तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर देखें तो 7 है। 2001 में ये जो है अगर वैधानिक नगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपका 41 और सबसे कम आपके 6 थे। प्रदेश के 12 जिलों में नगरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। देश के कुल नगरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79% यानी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान रखता है, ये हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है, ठीक है। अगर हम राज्य की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या का परसेंटेज देखें तब 30वें स्थान पर, फिर बात करते हैं अनुसूचित जातियों की। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो राज्य में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो आपकी 351,487 थी, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या के 21.1% है, ठीक है। और 2011 में राज्य में अनुसूचित जातियों की अगर हम देखें संख्या तो वो है आपकी 413,57,608, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का मतलब पहले से बढ़ करके अब हो गई है 20.69%। संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का परसेंट अगर बात करें तो वो आपका हो गया है 16.6%। यानी अगर हम 2001 का आंकड़ा देखें तो कितनी थी आपकी 21.1% थी, और अगर हम फिर देखें 2011 का आंकड़ा तो 2011 में बढ़ करके ये कितनी हो गई 20.69% हो गई है। फिर अगर हम टोटल देखते हैं संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंटेज तो वो कितना है आपका 16.6%। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, और ये दोनों भी एक बारी ध्यान रखिएगा।
फिर अगर पूछा जाए कि देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो अनुसूचित जाति की बात हो रही है तो अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जनजाति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है। तो राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात अगर 2011 में देखें तो वो था आपका 907, जबकि 2011 में 907 था और 2001 में ये कितना था, 900 था, यानी 2011 में ये बढ़ा है। फिर आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक पाया गया है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अनुसूचित जातियों का किस कहाँ पे है, तो आजमगढ़ में। फिर अनुसूचित जनजाति 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो आपकी 107963 थी, जो कि प्रदेश की जनसंख्या के 0.06, और 2011 में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की अगर जनसंख्या देखें तो बढ़ करके हो गई है 1134273 हो गई है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है। तो ये भी आपको याद रखना है, आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक, और अगर राज्य में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 2011 में देखें तो 907 और 2001 का कितना है, 900 है, और देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगर देखें कि अगर संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है तो 16.6 है, और अगर अगर हम 2001 की जनगणना देखें तो ये कितना है, 21.1%, 2011 की जनगणना देखें तो कितना है, 20.69%। फिर भारत के कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का परसेंटेज अगर देखें तो वो है 8.6। प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में 934 आपका था लिंगानुपात, यानी अब क्या हो रहा है, 934 था, अब कितना हो गया, 951। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर थी 32.9%, अर्थात राज्य की कुल आबादी में केवल 32.98 लोग कार्यशील हैं और शेष दूसरे पे आश्रित हैं, ठीक है, और 2011 के अनुसार संपूर्ण कार्यशील जनसंख्या में पुरुष व स्त्रियों का अगर प्रतिशत देखें तो आपके जो पुरुषों का प्रतिशत है वो 75.7% है, और अगर महिलाओं का देखें तो 24.3% है। कुल कार्यशील आबादी में 67.8 मुख्य कामगार और शेष 32.2 सीमांत कामगार हैं। कुल कार्यशील आबादी में 29.0% कृषक हैं, 30.3 कृषि श्रमिक हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में 59.3% कामगार नियोजित हैं। फिर कुल कार्यशील आबादी में 5.9 जो हैं वो घरेलू उद्योगों में लगे कामगार व 34.8% अन्य क्षेत्रों में लगे कामगार हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों अच्छी तरह से याद करना है। फिर ये वाला याद कर लीजिएगा, बाकी एक नज़र देख लीजिएगा। फिर देखते हैं कि स्लम जनगणना 2011 में जनगणना के अनुसार अगर देखें तो राज्य में कुल आबादी में कुल स्लम आबादी आपकी 9.5% है, जबकि 2001 में 11% थी। 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो अगर देखें 2011 में तो 9.5 और 2001 में 11.0% थी। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 जिले अगर हम देखें, ये इम्पोर्टेंट है, तो आपका पहला है मेरठ, दूसरा है आगरा, तीसरा आपको हमने बताया था कानपुर नगर, और
चौथा आपको लखनऊ बताया था और पांचवा आपका गाजियाबाद है, ठीक है। फिर राज्य में स्लम आबादी में साक्षरता दर अगर बात करें तो 69% है। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले पांच राज्य अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, जैसा हम लोग बोल रहे थे पीछे भी कि महाराष्ट्र, फिर आंध्र, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु का स्थान है। यानी उत्तर प्रदेश का कितना है, 9.5%, ठीक है। ये देखिए, क्लियर हुआ। फिर धर्म आधारित जनगणना 2011 में धार्मिक जनगणना के अनुसार राज्य के कुल जनसंख्या में 79.73% जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की है, जो सर्वाधिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो आपका कौन है, वो आपके हिंदू हैं, ठीक है। और परसेंटेज अगर बात करें तो 79.73% होगा। और जबकि सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आपके हिंदू हो गए, और कम आपके, सबसे कम की बात करें तो आपके हो गए बौद्ध, ठीक है। और जो कितने हैं, 0.10%, क्लियर हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार ये चार्ट में देख लेते हैं कि पहला आपका हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, ये सब हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर भी चुके हैं, तो एक बार ही देख भी लीजिए, ठीक है। फिर चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद अगर बात करें तो कौन सा है, आपका लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.3%। फिर जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, तो आपके जैन जो है वो सर्वाधिक साक्षर हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है, 902। फिर 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी है, तो 48%। 2000 राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी है, तो 48%। फिर उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो कब घटा है, 1991 और 2001 के बीच में। फिर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी कब, तो ये आपकी थी 1991-2001 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है कब, तो ये 1991-2001 में देखी गई है। फिर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है कहाँ पे, तो ये आपके सोनभद्र में है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको बताना है, तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला अगर बात करें तो गाजियाबाद है। अगर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो आपका 912 और 1000 है। देखिए सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पीछे स्लाइड में पढ़े हुए हैं, तो बाहर से कुछ भी नहीं आना है और ना आपको 10 बुक्स की ज़रूरत है, बस जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर पूरी कमांड करनी है, क्लियर हो रहा है। फिर 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरी आबादी वाला जो जनपद है वो आपका गाजियाबाद है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो वो आपका है सिख। पहला क्या था, आपका हिंदू था, दूसरा आपका मुस्लिम था, तीसरा आपका सिख है, ये सब हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं।
फिर 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ की है, तो कानपुर नगर की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। फिर 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्न चार जिलों का आपको सही क्रम बताना है, अवरोही क्रम, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले चार जिलों का सही अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है, तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ये सारे पढ़े हुए ही क्वेश्चन हैं। मेन हमारा मकसद ये है कि आप एक बार देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होगी, कहीं और से पूछा जाता, नहीं, जो कहीं और से पूछा जाएगा वो किसी को नहीं पता होगा। तो आपको कमांड किस पे करनी है, जो इजी क्वेश्चन है, जो हर को याद होंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और सिलेक्शन से बाहर वो क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं या सबके लिए टफ होते हैं, वो आपका सिलेक्शन नहीं कराते हैं। सिलेक्शन आपके वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इजी रहते हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो सबको पता है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है, ये है न्यूनतम साक्षरता दल वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर। तो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कथनों में से कौन से सही हैं, सही है और नहीं है ये जरूर देख लिया करिए। तो सही है पूछ रहा है, तो आपका जो पहला और तीसरा है वो सही है, यानी ये और ये। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ये सही है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये आपका सही है। फिर 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या है कितनी, तो 899। फिर 2001 और 11 के अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी, 20.22%। फिर 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है आपको, तो घटते क्रम में बताना है, तो आपका पहला प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आपका आ गया मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आ रहा है आपका गाजियाबाद, फिर आपका आ रहा है लखनऊ, ठीक है। तो ये स्लाइड को देख लीजिएगा। फिर 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है ये बतानी है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, तो आपका जो राइट है वो गौतम बुद्ध नगर है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है वो बताना है, क्या सही है क्या सही नहीं है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये ज़रूर देखा करिए। तो क्या सही नहीं है, तो यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये सही था। यहाँ देश की के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सही है। और इसका लिंगानुपात 912 है, ये सही है, सिर्फ ये आपका गलत है, 10 की वृद्धि दर 17.7% है, तो ये आपका सही नहीं है। तो ये 2011 के अनुसार कूट में लगाना है आपको, क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पे आपका जो सही कूट है तो वो आपका क्या है, दूसरा, और आपका है चौथा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये सही है, यानी सी, और फिर इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। फिर 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो आपको हमने याद भी कराया था कि रामपुर में, ठीक है।
फिर निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो ये आपका है प्रयागराज। फिर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 11 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की अगर संख्या है देखें तो वो है आपकी 7। दो हजार ग्यारह के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर बात करें तो महोबा। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशीलता का अगर प्रतिशत देखें तो 32.9% है। फिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो ये आपका जो है वो दूसरा यानी कानपुर, फिर है आपका ये सही है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो कानपुर हो गया, फिर आपका लखनऊ हो गया, फिर आपका होगा गाज़ियाबाद, फिर आपका होगा तीसरा आगरा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपका होगा कानपुर, कानपुर के बाद आपका आएगा लखनऊ, लखनऊ के बाद आपका आएगा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद के बाद आपका आएगा आगरा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और आप अभी हम लोग क्रम से चल रहे हैं, आप एक एक अध्याय पे अपनी कमांड करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।